हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा वाणी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन को आप होस्टिंग से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि हमने डोमेन लिया है गोडैडी से और होस्टिंग परचेस की है हमने होस्टगेटर से। तो पिछली वीडियो में हमने आपको कैसे ये डोमेन बाय करना है वो हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में कैसे इन दोनों को कनेक्ट करना है वो हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी होस्टिंग वाले वेबसाइट पर जाना है। इसमें आपको यहाँ नीचे जाने के बाद मैनेज वेब होस्टिंग और यहाँ पर सी पैनल डिटेल्स नेम सर्वर डिटेल्स, तो आपको नेम सर्वर डिटेल्स पर क्लिक करना है। मैंने ये पहले से कनेक्ट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो आपको यहाँ दो नेम सर्वर मिलेंगे, इन नेम सर्वर को एक एक करके वहाँ कॉपी करना है आपको। यहाँ नीचे आपको जैसे ही आप डोमेन पर इसमें DNS पर क्लिक करते हो, तो मैंने यहाँ पर डोमेन ले चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये डोमेन लिया है आपको समझाने के लिए और होस्टिंग भी आपको समझाने के लिए ली है और आगे मैं इसी पर काम करूँगा। तो इसमें DNS पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, नेम सर्वर में चेंज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेम सर्वर पेस्ट कर देना है। तो इसमें NS1 और NS2 दोनों आप यहीं पर पेस्ट करना है आपको। तो यहाँ पर दो ही आपको दिए गए हैं ऑप्शन। तो ये पूरी प्रोसेस 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। वैसे इस पूरी प्रोसेस को एक या दो घंटे के अंदर वैसे जल्दी हो जाती है, इसमें टाइम दे रखा है 24 से 72 घंटे। तो आप चेक करते रहिए, वैसे एक घंटे बाद आप चेक कर लीजिए क्योंकि मेरा एक घंटे बाद हो गया था। तो आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि मैं डाल चुका हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रहा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर नेम सर्वर डालने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एक सी पैनल मिल जाएगा। सी पैनल आप कहाँ से खोलोगे? सी पैनल आप खोल सकते हो यहाँ पर मैनेज वेब होस्टिंग, और यहाँ पर जाने के बाद अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हो सी पैनल की। आपको एक पासवर्ड दे दिया जाएगा आपकी ईमेल पर। तो आपको सी पैनल कहाँ से खोलना है, वैसे आप यहाँ पर भी खोल सकते हो होस्टगेटर की वेबसाइट पर। तो सी पैनल खोलने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा अलग, और आपको टाइप करना है अपनी वेबसाइट का नाम। और स्लैश लगा के सी पैनल, तो आपकी, तो दोस्तों आपको टाइप करना है अपनी वेबसाइट का नाम स्लैश सी पैनल लिखना है और एंटर करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन के सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है, आपने नेम सर्वर जो ऐड किया था वो एक्टिव हो चुका है। इसके बाद आपको सी पैनल में लॉगिन करना है। आपको ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड मिल जाएगा, आप सेट कर लीजिए मैनुअली, और यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सी पैनल में लॉगिन करना। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। ये लॉगिन हो चुका है। आपको इसमें अब क्या करना है, आपको इसमें नीचे जाना है क्योंकि हमें वर्डप्रेस पर काम करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप अच्छे से देख लीजिए। और जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो आपके स्क्रीन के सामने ये ऑप्शन है। मैं यहाँ पहले ही इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं आपको इसे हटाने के बाद दोबारा इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हट चुका है। अब आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा से बता देता हूँ।
तो आपको सी पैनल ओपन करना है, आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए या फिर अपनी वेबसाइट का नाम और स्लैश सी पैनल, ओके, नीचे जाइए और यहाँ पर वर्डप्रेस पर क्लिक कीजिए, इसे इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर दीजिए, यहाँ पर इसे फर्स्ट रखिएगा, WP हटा दीजिए, अपने ब्लॉग का नाम, अपनी वेबसाइट की डिटेल्स, और इसमें आपको अपना एडमिन का नाम और पासवर्ड, मैं आपको जल्दी से भर के दिखा देता हूँ इसे भर के, ओके, यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी है, मैं इसे शो नहीं करूँगा। यहाँ पर एडमिन पासवर्ड, आप पासवर्ड सेट कर लीजिए कोई भी, यहाँ पर अपनी ईमेल दे दीजिए कोई भी जीमेल की, और ये लैंग्वेज इंग्लिश, और यहाँ पर आप क्लिक नहीं कीजिएगा, यहाँ पर दोबारा ईमेल करने के बाद इसे इंस्टॉल कीजिए। तो मैंने डिटेल्स फिल कर दिया ऊपर, और यहाँ पर आपको ईमेल देनी है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बस इंस्टॉल के बाद आपको एक ईमेल प्राप्त होगा, बस उसके लिए है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसे यहाँ से, ये इंस्टॉल हो रहा है अब, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आपको क्या ये चीज़ याद रखनी है अपनी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तो आपकी स्क्रीन के सामने जैसा कि लिखा है, यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम लिखा है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम देखना है, ये सबके लिए एक होता है, WP admin आपको डालना है, ये याद रखना है, अपनी वेबसाइट का नाम /WP admin और स्लैश लगा के यहाँ पर आपको फिर क्लिक करना है, ये हमेशा याद रखना है आपको। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा, आप लॉगिन भी कर सकते हो, आपको याद रखना है ये चीज़, अपनी वेबसाइट का नाम /WP.o-admin। तो इतना करने के बाद आपको एंटर करना है, अगर आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, जो आपको आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जो पासवर्ड डाला था और यूजर नेम डाला था, और या फिर आप ईमेल या पासवर्ड से भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें बता दीजिएगा। तो इसमें वर्डप्रेस अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, इसमें कैसे काम करना है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ। तो आप देख चुके हो आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपको डोमेन अपनी दूसरी, जहाँ से आपने होस्टिंग ली है वहाँ से दूसरी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे अच्छे से हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो हम पूरी वेबसाइट आपको बनानी बताएंगे, सरकारी रिजल्ट की तरह हो या दूसरी तरह हो, मगर हमने जैसा कि आपको बताया कि सरकारी रिजल्ट, तो हमने जैसा कि बताया आपको कि सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट हम आपको तैयार करके बताएंगे। तो ये पार्ट नंबर 2 था वीडियो का। तो इस फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था आपको कि आपको कैसे डोमेन परचेस करना है और कैसे होस्टिंग परचेस करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है, और वर्डप्रेस की होस्टिंग आपको कैसे इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस, और कैसे इसकी होस्टिंग पर आपको काम करना है, ओके। तो हमें ये वर्डप्रेस मिल चुका है, सी पैनल भी मिल चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे की प्रोसेस कैसे आप तैयार कर सकते हो। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, ओके। तो आपको इसमें अभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक आपने इस पर काम नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे और इससे आगे की। तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है बस। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वरना आप नहीं समझ पाओगे, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हम फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।